धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सची सरकार आनंदपुर साहब की धरती ते महाराज ने बड़िया खुशियां वंडियां ने। सचे पातशाह जी दे कोल हजारां दे विच लखां दे विच संगतां आ रही ने। कोई घोड़े लैके आउंदा है, कोई शस्त्र लैके आउंदा है, कोई वस्त्र लैके आउंदा है। सचे पातशाह ने बड़िया मठियाईयां सब कुछ वाधू किया होया है। इन्नी दिने एक गुरु का सिख जिंदा नाम भाई हरजसे लाहौर दे रहन वाला, वो भी गुरु चरणा विच हाजिर होया ते आके आखन लगा, सचे पातशाह मैं शस्त्र नहीं लैके आया, मैं घोड़ा नहीं लैके आया, पर मैं एक अरजोई एक अरदास लैके आया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सची सरकार दे चरणा विच अरदास कीती महाराज। गुरु नानक साहब सचे पातशाह दी रहमत दा सदका मेरे घर विच इक धी होई। गुरमुखो वैसे ना बहुता बहुतांत लोग पुत्रां दीआं अरदासां कराउंदे ने, धी वास्ते अरदास नहीं जे कोई कराउंदा। जे किसी दे घर एक धी होई है ते दूजी वार पुत्र दी अरदास जरूर कराएगा, पर जे किसी दे घर एक पुत्र जन्म लै लवे ते उन्हें दूजी वार धी वास्ते अरदास नहीं कराउंदी। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज छेवें पातशाह जिन्हां दे घर पंज पुत्र होए ते सचे पातशाह जी ने ना फिर अरदास करवाई, मेरे घर एक धी भी जन्म लवे। धी दा सत्कार, धीआं दा सत्कार सतपुरशां ने बहुत किया क्योंकि जगत जननी। कहन लगे मेरे घर सतगुरु की रहमत दा सदका एक धी है। ते कलगीधर महाराज नूं कहन लगे, मैं ओ अपने मन विच फुरना बनाया कि उन्हां नूं तुहाडे लड़ लाउणा है। इह सुनेहा फिर सतगुरु जी ने माता गुजरी जी नूं भेजिया। माता गुजरी जी कोल भाई हरजस जी गए, आपां पिता हरजस जी भी कह सकने, जाके कहन लगे भी मैं उहदी धी दा रिश्ता लै करके साहिबजादे वास्ते बाला प्रीतम कलगीधर वास्ते धी दा रिश्ता लैके आया। माता जी ने मामा जी नाल विचार कीती, विचार करके उन्हां नूं दस दिता भी सतगुरु सचे पातशाह जी कोल चले जाओ, साडे वल्लों प्रवानगी। माता जी ने प्रवानगी दे दित्ती, परिवार ने प्रवानगी देती, माता नानकी ने प्रवानगी देती। माता नानकी ने तो होर भी चाह चढ़ गया भी मेरे पोतरे का हुण विआह होना। पहला गुरता गद्दी का चा चढ़िया होया सी माता नानकी नूं, हुण विवाह का चा चढ़ गया। माता नानकी जी तो प्रवानगी लैके, माता गुजरी जी तो प्रवानगी लैके, मामा कृपाल चंद जी तो प्रवानगी लैके फिर सतगुरु जी कोल गए। तो लाहौर जाके लाहौर पहुँच के हजूर सच्चे पातशाह जी नूं फिर उन्होंने शगन भेजिया जी। सगाई का जो दिन हुंदा है शगन भेजिया सच्चे पातशाह वास्ते, शगन लैके आए महाराज सच्चे पातशाह जी नूं। जिहड़े फल छकाउणे हुंदे ने ना लाड़े नूं, हुण उह हिया नहीं पैंदा भी हाथ ना चुक के ते उह छुहारा किवें खवाईए। सच्चे पातशाह दा इह भय है ना जिहड़ा अंदर भय हुंदा है, इक डर हुंदा है दुश्मन दा, एक डर होंदा प्यार वाले दा। आपां कहिंदे वी मैनू मेरे पिता दा बड़ा डर है जां मैनू मेरे भरा दा बड़ा डर है। वह क्यों डरे भला? वह असीं उहनूं अंदरों प्यार करने आ, प्यार दा डर है भी अंदरों मेरे कोलों कोई ना इहदी सेवा विच गलती ना हो जाए। तो सच्चे पातशाह का जरा डर है, मान लो गुरु साहब का डर है। गुरु साहब का डर कह दे लिए भी मैं गुरु साहब की हजूरी जी सेवा कर रहा, इन मेरे कोई कुताही ना कि हो जाए, मेरे तो कितने गलती ना हो जाए। तो जिन्हों के अंदर डर नहीं ना होता उन्हों के अंदर प्यार भी नहीं जी होता। जिरे हुण कई रौल ते बैठे वो पैरों नूं हाथ ला ला के गुरु साहब के अंगा नूं उंजी लाई जांदे ने, भावें पाठ करते हैं उन्होंने रोजी रोजी रोटी भी बनी है, तां भी उन्होंने पैरों नूं हाथ लाई जाने, थले हाथ लाई जाने, उवें उन्होंने गुरु साहब के अंगा नूं लाई जाने। पर जिहड़ा डर भय रखण वाला है ना गुरु साहब का, वह असल च महाराज ना प्यार करता है। वह गल च परना तां रखता है भी इहदे नाल मैनूं कितें शरीर ते हाथ लाउणा पए, मैं परने ना लावां भी महाराज के अंगा नूं मेरे पैरों नूं लगे हुए हाथ ना लगन महाराज के अंगा नूं। ते गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह सची सरकार वास्ते आए ने लैके शगन, ते हुण जदों उन्होंने फल छकाना है ते उन्हों का ना अंदरों मन जिहड़ा वह भय विच
प्यार करके पै बच्चे भी सच्चे पातशाह जी नू जिहड़ियां इन्नियां संगतां दूरों खलो के नमस्कारां करदियां ने ते मैं इह किवें सच्चे पातशाह नू छकावांगा। महाराज ने ना वो फिर आप ही चुक के सच्चे पातशाह ने वह छक लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार नू शगन पाया गया ते उस वेले गुरमुखो फिर दिन नियत किया गया। साया बन्निया जांदा है ना जिहड़ा साया दिन नियत किया गया लड़की वाले परिवार वालों लड़के वाले परिवार नाल सहमति करके साया बन्निया जांदा फिर साए चिट्ठी भेजी जाती। सच्चे पातशाह का साया बन्निया गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज का साया बनीचा जी। इत्थे दो रवायतां ने मैं बेनती कर दिया जिहड़ा जिस इतिहासक ग्रंथ विचों सारा इतिहासक स्रोत आपां लैंदे आ भाई साहब भाई संतोख सिंह जी दा ते भाई संतोख सिंह जी ने यह सारी वार्ता जिहड़ी लिखी है ना सतगुरु जी दे जीवन दी ए बाबा राम कोयर जी ने जिवें कथा करनी जिवें बाबा राम कोयर जी दा तुसीं पहलां सुनिया तुहानूं पता है भी बाबा राम कोयर जी ने गुरु गोबिंद सिंह नू गुरता गद्दी दा तिलक लाया सी उन्होंने दस्तार दित्ती सी गुरता गद्दी दी ते जदों बाबा राम कोयर जी अपने अस्थान ते चले गए रामदास उत्थे फिर उन्होंने संगतां नू ना कथा सुनानी गुरु साहब दी भी किवें किवें आनंदपुर साहब की वापरिया। जिवें मान लो तुसीं किते जाओ गुरु घर ते तुसीं उत्थों दा सारा आनंदमई माहौल वेख के आओ ते उहदे पिंड आ के जिहड़े नहीं गए उन्हां नू दसो तो भी एक कथा ही होगी। तो बाबा राम कोयर जी को जिहड़ियां संगतां ने आना उन्होंने फिर सच्चे पातशाह की कथा सुनानी सारी वो सारी वार्ता फिर कई सुनने वाले जिहड़े ना प्यार वाले वो नाल नाल लिखी जांदे सन जिन्नी रोज सुन के आनी उन्नी उन्हें लिख लैनी ते इस तरह वो वार्ता सारी उन्हें सुनिया होया तो जिन्हें लिखिया सी उन्हें तो फिर भाई संतोख सिंह जी ने ली। तवारीख गुरु खालसा विच जेठ दा महीना दस्या जांदा है भी जेठ दे महीने दे विच सच्चे पातशाह दा साया बजा सी व्याह दी तरीक पक्की होई सी पर गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच हाड़ दा महीना 23 हाड़ नूं सच्चे पातशाह दे विवाह दी तरीक जिहड़ी उह पक्की कीती गई भी 23 हाड़ नूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा विवाह होएगा आनंद कारज होएगा। अजे भी 23 हाड़ वाला जिहड़ा दिन है ना 23 हाड़ नूं उत्थे गुरु के लौर जिहड़े महापुरश ने वह मठियाईयां बनवा बनवा के उत्थे कमरे भर देंदे ने सच्चे पातशाह दा जदों विवाह वाला दिन आउंदा सच्चे पातशाह दा आनंद कारजां दे दिन आउंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार महाराज नूं फिर शगन लग गया दिन पक्का कर लिया गया स्नेहा यह दिता सच्चे पातशाह तुसीं सारियां संगतां दे नाल लाहौर आउणा। हुण महाराज कहिण लगे भी असीं लाहौर नहीं आउणा तुसी इत्थे आ जाया जे। कहन लगे महाराज सारे लाहौर दियां संगतां नूं बड़ा चाह है भी कलगीधर महाराज साडे नगर विच बरात लैके आउणगे। जिथे कलगीधर महाराज ने बरात लैके जाना सी उत्थे चाह पे ही होना सी। कहन लगे असी इत्थे ही गुरु का लाहौर वसा दिंदे आ जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आखिया असी इत्थे ही गुरु का लाहौर वसा दिंदे आ। मामा कृपाल चंद जी नूं सच्चे पातशाह जी ने आखिया मामा कृपाल चंद जी ने नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के भूआ दे पुत्र भाई संघो शाह उन्हां नूं लिया भाई मंगो शाह संघो शाह उन्हां नूं नाल लैके होर सिखां सेवकां नूं नाल लैके महाराज ने जिथे जगह दसी सी उह पहाड़ी दे कोल उत्थे महाराज के हुक्मां दे नाल फिर गुरु का लाहौर वसाया गया। उस गुरु के लाहौर दे विच हुण सच्चे पातशाह ने हुक्मनामे लिख लिख के भेजे सारे मसंदा नूं बिठा लिया भी हुक्मनामे लिखो ते हुक्मनामे लिख लिख के जिन्ने भी सिख व्यापारी सन होवे सिख ते व्यापार करदा होवे उहनूं हुक्मनामा गया कि तू आउदा व्यापार हुण गुरु के लाहौर विच आके कर। जिहड़े दुकानां वाले सन होर शहरां दे विच रहिंदे हुशियारपुर वाले पासे पंजाब दे विच वख-वख थावां ते उहनां नूं हुक्मनामे पहुंचे भी तुसीं हुण गुरु का लाहौर जिहड़ा शहर नवां गुरु साहिब वसाउण लगे ने उत्थे आके हूबहू उवें दीआं दुकानां जिवें दीआं लाहौर दे बाज़ारां विच ने उवें दीआं तुसीं इत्थे पा लैणियां ने। उन्हां सारिआं दुकानदारां ने सिख दुकानदारां ने आके किसी की किसे चीज़ की दुकान है कोई मठियाई की करता है कोई करियाने की करता है कोई लोहार की करता है कोई धोबी है सारिआं ने अड अड आके उत्थे जिहड़ियां ने ना दुकाना पा लईआं व्यापारी आ गए जी वाधू व्यापारी उत्थे आ गए गुरु का लाहौर उत्थे वस गया। गुरु के लाहौर आप जी ने दर्शन किए होणगे सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे
हुण विवाह वाला जिहड़ा दिन है ना वह मुकर्र किया होया सी जिहड़ा उस दिन सच्चे पातशाह जी नूं तैयार किया गया। महाराज ने बड़ा सोहना वस्त्र पाया, सच्चे पातशाह ने दस्तार बड़ा सोहना सजाया, महाराज दे शीस ते कलगी सजाई, हीरे दी मुठ वाली तलवार सच्चे पातशाह ने उहदे गात्रे पाई ते महाराज घोड़े ते असवार होके फिर सच्चे पातशाह तुरे। नाल हुण सारियां सिख संगतां ने रथ दे उत्ते मातावां जिहड़ियां ने रथ ते बह के जा रहियां ने, जिन्हें भी गुरु के महल ने सच्चे पातशाह दियां मातावां ओ रथां ते बह के जा रहियां ने, बीबियां होर संगतां कुछ संगतां पैदल जा रहियां ने, कुछ घोड़ियां ते चढ़ के जा रहे ने। गुरु के लाहौर दे विच पैर रखण नूं थां नहीं सी है, इन्नियां संगतां सच्चे पातशाह दे विवाह ते आ गईयां। बहुत संगतां बेअंत संगतां गुरमुखो सच्चे पातशाह दे विवाह ते पहुंचियां ते उस वेले अगे आके उन्होंने स्वागत किया, मिलनी की रस्म हुई ते महाराज सच्चे पातशाह नूं बेनती करन लगे, आके मामा कृपा गुरु मामा कृपाल चंद जी नूं आके बेनती करन लगे, भाई हरजस जी भी लावां दा समा हो गया। ये पुराने समय में लावां का समा विचारिया जाता से भी लावां का समा पक्का है, अजकल तो यह सारा समा ही खिंड गया। ग्रंथी सिंह रागी सिंह सवेर तो लैके उड़ीकन लगते ने, पांच वजांदे ने फिर आउणगे भी दवा दब कर दिओ जी। पर मैं बेनती करा असल च विवाह जिहड़ा हुंदा है ना यह उहो ही हुंदा है जिहड़ा चार लावां का पाठ है, चार लावां का पाठ ही तो असली विआह है। बाकी ते सारे खाने पीने गाने बजाने वो तो एवें दियां गल्लां ने वाधू दियां, उन्हां तो बिना तो सर भी जाएगा पर चार लावां तो बिना तो नहीं ना सरना। कोई आखे भी मैं खाने पाने कर लवां, पार्टियां कर लवां, वधिया कपड़े पा लवां ते गाने बजा लवां ते उहदे नाल विआह हो जाएगा, उहदे नाल ते नहीं ना विआह होना। आनंद कारज तां ही होना है जे गुरु साहिब दी जुदी च जाके चार लावां का पाठ होएगा, गुरु साहब सच्चे पातशाह की मर्यादा दे नाल अरदास होएगी ते तां ही होना है। पुरातन समयां विच ते अमृत वेले ही अमृत वेले फेरे हो जाया करदे सन, हुण ते सिखां दे किते बड़ा विआहां दे चार चार वजन, चार वजन दे किते पंज वजन दे, ये बिल्कुल वैसे ये मनमत वाले पासे चली जाती है गल, वैसे बारह बजे तो पहला हो जाने चाहिए ने फेरे, पर असी अज तक तो होए होंगे वेखे नहीं, किसी विरले का ही किसी एक अद्धे का होया होगा बारह बजे तो पहला, ये तो बरात निकल दी नहीं ग्यारह बजे तक तो फेरे की होने। पर सच्चे पातशाह दे कोल आके कहन लगे मामा कृपाल चंद नूं बेनती की जी लावां का समा हो गया है, आनंद कारज का समा हो गया है। सच्चे पातशाह नूं जदों ले जा के बिठाया, माता जीतो जी नूं लेके आए, वह धनता वाली माँ अपने वास्ते आपां माता ही शब्द वरतांगे, माता जीतो जी वो धनता वाली माँ है। गुरमुखो जी कलगी तर महाराज के लड़ लगन लगी, माता जीतो जी जिन्हों की कुख तो बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने जन्म धारण किया, अवतार धारण किया, वह भागा वाली माँ जिन्हें सूरबीर योध्या जन्म दिता, कलगी तर महाराज की महल बन लगी है, कलगी तर महाराज के पल्ले दे नाल लगना है, अज उन्हों का लड़ फटना है। सच्चे पातशाह दे लड़ फड़न दा इन्ना चा है माता दे विच वी, माता सारी रात बंदगी च भेजी रही। माता जीतो जी नूं सारे पिंड वाले ना जिस दिन तो साया बज गया सी, जिस दिन तो सगाई हो गई सी, उदन तो सारा पिंड माता जीतो जी नूं रोज़ नमस्कार करके जांदा सी। क्यों भला? क्योंकि इन्हें कलगी तर महाराज दे लड़ लगना है, इन्हें कलगी तर सच्चे पातशाह दी धर्म पत्नी बनना है। सारा पिंड सारिया संगतां लाहौर दियां माता जीतो जी नूं विआह तो पहले ही माता जी कहन लग पईआं सन। माता जीतो जी नूं लिया के जदों बिठाया फिर पल्ले दी रसम पिता जी ने कीती, सच्चे पातशाह दे चार लावां दे पाठ होए, फिर ना उत्थे गुरमुख बरात रुकी। पुराने समयां च कई कई दिन बरातां रुकदियां सन, इह ते काफ़ी पुराने समें दी गल है, दसवें पातशाह दे वेले दी 300 साल पुराना। हजूर सच्चे पातशाह दी बरात उत्थे कई दिन रुकी फिर गुरु के लाहौर। वैसे तो यह जगह सच्चे पातशाह जी ने ही वसाई सी, उधरों वह भी परिवार इत्थे आया होया सी, ते इधरों सच्चे पातशाह गए सन गुरु का लाहौर, ते गुरु क्या दा ही सी, पर उत्थे बरात लैके गए सन ते वापस आनंदपुर आना सी। सच्चे पातशाह जी ने उत्थे कई दिन फिर रहमतां वरताईआं, कलगी तर महाराज नूं संगतां वेख वेख के आनंद विच जांदियां ने, खुशी विच जांदियां ने। एक दिन
कलगी धर महाराज सच्चे पातशाह घोड़े ते सवार होए ते सैर करन च तुर पए। सैर करन सच्चे पातशाह जा रहे ने ते गुरमुखो रस्ते विच एक धोबी महाराज नूं मिल पिया। उहने सिर ते पंड चक्की सी। सच्चे पातशाह रोज़ घोड़ सवारी रोज़ करिया करदे सन। घोड़ सवारी करन दे नाल नाल शरीर फिट रहिंदा है। एक घोड़े दे नाल सवार दा मन मिलिया रहिंदा है क्योंकि लोड़ पैन ते घोड़े की सवारी करनी पैंदी। इस तो रोज़ सवारी करन दे नाल घोड़े दे नाल जिहड़ा सवार दा मन है ना वह मिलिया रहिंदा, प्रेम बनिया रहिंदा है कह लो। फिर घोड़ा सवार दे मन अनुसार ही लगा जांदा। जिवें आपां एक वारी विचार कीती सी ना भी बाबा अजीत सिंह घोड़े ते बैठे ते जदों गोली आवे करे उन्हां दा घोड़ा थले बह के इक्को दम उठ के अगां लंघ जा करे। जदों दुश्मनां दे तीर आउण तों पहलां उन्हां दा घोड़ा अगे लंघ जा करे। यह सब कुछ किवें होया? वह घोड़े दे नाल मन दे ना मन दा असवार दे नाल वह मन एक मिक हो गया सी घोड़े दा ते असवार दा। जिवें हरि सिंह नलुआ जदों चढ़ाई शहीद होण लगा ते उहदा घोड़ा कोल खलो के रोण लग पिया। वह कहन लगा मित्रा हुण रो ना, मैनू जमराव दे किले च बचा दे। वह प्रेम करदा सी उहदे नाल, घोड़ा पशु जिहड़ा सी उहने अखीर नभाई। उहदे घोड़े दे उपर सरदार हरि सिंह नलुआ लम्मे पै गया। वह घोड़ा दौड़ के वरदियां गोलियां दे विचों दी निकल गया, जमराव दे किले च पहुँच गया। ते एक घोड़ सवारी अजे भी तुसी वेखोगे जिहड़े निहंग सिंह ने दो घोड़िया की सवारी करते हैं, दो घोड़िया के उत्ते खलो के वह घोड़ा भजाते हैं ना। वो बचपन तो लैके इको बंदे ने इको सिंह ने वह दोवें घोड़े कट्ठे ही पाले होंदे ने। कट्ठियां नूं उन्हां नूं रखना, कट्ठियां नूं दाणा पाना, कट्ठियां नूं उन्हां नूं बाहर लैके जाना, कट्ठियां नूं उन्हां नूं इशनान कराना। उन्हां दोवां घोड़िया का मन एक होया हुंदा है। उन्हां ने पैर नाल पैर मिला के चलना है, पौड़ नाल पौड़, एवें नहीं दोवें घोड़े कट्ठे भजदे। ते जिहड़ा उत्ते सवार हो जांदा ना, उत्ते खड़ जांदा निहंग सिंह, वह उन्हां दोवां की सेवा करदा हुंदा है। उन्हां नूं दाणा पाउंदा है, उन्हां नूं नवाउंदा है, उन्हां दे मत्थे ते हथ फेरदा है, उन्हां दे शरीर ते हथ फेरदा है। उहदे नाल प्रेम करदे हुंदे ने वह घोड़े। ये सच्चे पातशाह रोजाना घोड़ सवारी करन जांदे ने। ते जिहड़े घोड़े सन ना सच्चे पातशाह दे, वह कोई आम मनुख थोड़ी सन, वह ते कई देवते आके सच्चे पातशाह की सेवा विच लगे हुए सन। भी वह घोड़े भी धनता दे योग ने, उन्हां दे वड्डे भाग होणगे जिहड़े महाराज सच्चे पातशाह की सेवा विच लगे रहे। महापुरश ते कहिंदे ने जिहड़े जानवर जिहड़े पंछी दरबार साहिब मान लो रहिंदे ने ना दरबार साहिब, वह कोई आम नहीं। उन्हां दे कोई चंगे पुन्ना वाले ने किसे गलती कारण पशु जून विच चले गए, पर गुरु घर दी हदूद च रहिंदे। जिवें आप जी ने गुरद्वारा जामनी साहिब विंदे हो, सच्चे पातशाह दा सिख सी, उन्हें कह दिता गुरु मेरा जामण है। करजा लिया सी ना किसे तो, ते कहता भी गुरु मेरा जामण है, ते करजा दिता नहीं ते चढ़ाई कर गया। ते फिर महाराज ने उहदी जामनी भरी, उत्थे आ के गुरद्वारा जामनी साहिब बनिया अवजीतपुर। वह बाज नूं फिर तित्तर खवाया महाराज ने, वह बाज ने तोड़ तोड़ के तित्तर खादा। उत्थे जामनी उत्थे लिखा पूरा किया सच्चे पातशाह ने। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜੂਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਢਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਵਾਹ ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਪਿਆ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਪੰਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ?
की करन लगे हो? कहन लगा महाराज मेरे धन भाग कलगीधर महाराज नूं पंड ला के ना उन्हें दवा दब रकाब दे विच सच्चे पातशाह ने चरण रखे हुए सन, उन्हें महाराज के चरणा ते सीस रख के मथा टेकिया ते कहन लगा सच्चे पातशाह मेरे हिस्से मेरे वड्डे भाग ने मेरे हिस्से दे विच आप जी दे वस्त्रां दी सेवा आई है। इत्थे बड़े इत्थे धोबी आए हुए ने, उसे ना बड़िया आके कोई धोबी बैठा सी, कोई उत्थे आके हलवाई बैठे सन, हुण हजारां दे हिसाब नाल लखां दे हिसाब नाल संगतां आईयां सन, उन्हां सारिआं दे फिर हुण वस्त्रां दी सेवा भी करनी सी भी हुण चार पांच दिन बरात ने रहना है, वह बरात दी सेवा ते फिर करनी सी। लड़की वाले परिवार वालों बड़ा प्रबंध किया गया सी पिता हरजस जी वालों। वह धोबी कहन लगा महाराज जिहड़े तुहाडे वस्त्र ने ना ये तुहाडे वस्त्रां दी सेवा मैं करन चलिया, जिहड़े चोले तुहाडे ने वह मेरे हिस्से आए ने महाराज धोण वास्ते, इस पंड विच सारे वस्त्र तुहाडे ने। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं कहन लगा सच्चे पातशाह आप जी की बड़ी रहमत है। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे होर कुछ मंगो? कहन लगे मां कहन लगा महाराज पानी की बड़ी दिक्कत है भी पानी जड़ा है ना वो पूरा सही नहीं है, तो महाराज इस करके कपड़े धोण विच दिक्कत बड़ी आउंदी। महाराज सच्चे पातशाह अगे आए तो महाराज के नाल हुण सिख भी ने, सच्चे पातशाह दे भूआ दे पुत्र ने पंजे ही नाल, तो महाराज ने उन्होंने कोलों ना बरछा मंगया, उन्होंने को बरछा हाथ से उन्हें फड़िया होया सी, सच्चे पातशाह ने उन्होंने तो बरछा मंगया इशारा किया, उन्होंने महाराज ने बरछा फड़ाया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ना अगे जाके थोड़ा जहा वो बरछा ऐ करके थले जरा उनका फाला होंदा है लोहे का, महाराज ने इन्ने जोर ना वो बरछा मारिया भी वह धरती विच धस गया पूरा, वह बरछा धरती च धस गया। तो महाराज ने कोल खड़े सन भाई शंघो शाह सच्चे पातशाह के भूआ के पुत्र, उन्होंने कहन लगे ये बरछा पट्टो, जो बरछा लगे पट्टन तो उन्होंने बरछा पटीचा नाए तो कलगीधर महाराज ने बरछा मारिया। सच्चे पातशाह जी ने जो बरछा मारिया धरती च धस गया, याद है ना गुरमुखो छेवें पातशाह नूं चुकन आया सी पेंदे खान, पेंदे खान एडा तगड़ा सी भी सने सवार घोड़ा चुक के लै जांदा सी, किड्डा तगड़ा होएगा, तली ते रुपया रख के उत्तों मलदा सी तों दी मोहर मिट जांदी सी उत्ते नंबर, वह पेंदे खान जो छेवें पातशाह का घोड़ा चक्कन लगा ना एक ढाल पई ते धरती ते जा पिया, फिर उन्हें अल्लाह उन्हें सच्चे पातशाह जी ने पुकार की, महाराज कहन लगे कलमा पढ़ लै तेरा उधार हो जाएगा। उन्हें अकल आ गई, उन्हें समझ आ गई, पेंदे खान कहन लगा तुहाडी ढाल नालों वड्डी कलम केड़ी, तुहाडी ढाल नालों वड्डी रहमत केड़ी, जदों तुहाडी ढाल मैनू वज गई तो मैनू तो हुण आपे गति हो जानी मेरी। सच्चे पातशाह ने जदों बरछा मारिया धरती दे विच थले वह फाला पत्थर च खुब गया, भाई शंघो शाह के मन में ना थोड़ा जा है सी भी मैं इन्हों तो वड्डा ये मेरे तो छोटा है, परिवार के रेंदे हाँ कई बार जो एक दूजे के नाल जो मान लो किसी की शोभा ज़्यादा होने लग पे तो परिवार जो दिया च माड़ी मोटी तो विचार अंदर आ ही जाती कई बार, पर जरा गुरु है ना जदों भावना वाले सिख के अंदर दूजे दे नहीं, जिहड़ा बंदा पहले गुरु नाल टुटा वह जिनी मर्जी निंदा की जाए जो मर्जी करे उन्होंने नहीं गुरु ने कोई कौतक विखाउणा, जिहड़ा भावना वाला शरदा वाला जदों कि माड़ा जिहा गुरु तोल वाले पासे तो टुटन लगता ना विचार उहदे मन च आउण लगदी है शंका पैण लगता है गुरु साहब उदों ही उहनूं कोई ना कोई कौतक विखा दिंदे ने। तो भाई शंघो शाह ते गुरु साहब नाल प्यार बड़े करदे सन, पंजे भरा सच्चे पातशाह दे भरा ही लगे भूआ दे पुत्तर, बड़ा प्यार करते सन महाराज नाल, पर थोड़ा जिहा अंदर आन लग पिया भी असीं इन्हां तों वड्डे हाँ इहदी किन्नी सोभा आउण लग पई। महाराज सच्चे पातशाह ने आखिया जी पट्टो, उन्हां दे मन विच इह सी भी इह तां साडा भरा है, पर उन्हां नूं इह विखाउणा सी सच्चे पातशाह ने उन्हां दे अंदर भावना भरनी सी, जदों पट्टन लगे पटीचा ना फिर उत्ते बैठिया नहीं महाराज ने घोड़े तों बैठिया ने, जदों बरछा खिंचिया उत्थों इक पाणी दी धार निकल पई, एक जल धारा प्रगट हो गई, ते कोल खड़े सन सच्चे पातशाह दे भूआ दे दूजे पुत्र दूजा भरा शंघो शाह दा दूजा भरा मंगो शाह, उन्हें मन विच आ गया भी महाराज सच्चे पातशाह ने जिहड़ा बरछा गड्डिया सी ना एक ते दोवां हत्थां नाल जोर लाउंदा ना मेरा भरा ते पट्टिया जाणा सी, नाले मेरी ते वारी नहीं आई
जे मैनू गुरु साहब कहिंदे तां मैं पट देना सी। गुरु साहब ते हुण अंदर दी जानन वाले ने। कई बार बंदा कहिंदा वी मैं इत्थे विकड़ा बोलिया, मेरा ना नहीं बोलिया। कई बार ना अरदास दे विच ना ना बोलिया जाए तो साढ़े अंदर शंका पैदा हो जाता भी मैं जिहड़ी अंदर लैके आया सा अरदास वह तो मेरी हुई नहीं। अरदास तेरी उदो ही होगी जो तू गुरु के दर वल नूं तुरिया से अंदर भावना लैके। जिहड़ी भावना लैके करो तुरे हाँ उदो अरदास साड़ी सुनी गई है। साड़ी अरदास अंदरों सुनी जानी है। बोल तो कोई भी नहीं, बेजबाना दे भी तो अरदास सुनी जाती है जिन्हां दी जबान नहीं होंदी। महाराज सच्चे पातशाह अंदर दी जानन वाले कलगीधर महाराज ने वह बरछा जरा सी ना एक बार फिर उत्थे गड़ता। हुण सच्चे पातशाह जी ने ना वह पिछे खड़े सन जिहड़ा दूजा पुत्र सी भूआ दा छोटा भरा सी जिहड़ा वह पिछे खड़ा। उहते मन च फुरना ही उन्होंने बनाया सी भी महाराज मैनू तो क्या ही नहीं, जे मैनू क्या होंदा मेरी वारी आ जाती तो मैं पुट देना सी ये बरछा। एक तो किड्डी कोई गल है, ये साढ़े तो छोटा ही है, साढ़े नालों वध जोर थोड़ी है। जदों ये पिछा नूं वेख्या ना महाराज ने उहदे उहनां वल ते वह इक्को दम हैरान हो गए भी मैं तो मन च सोचना पिया। उन्होंने इशारा किया भी आ जाओ तुसी पट्टो। उन्होंने भी आके जोर लाया। फिर उन्होंने ना हाथ जोड़ के भाई शंगो साह जिन्हां ने पहला पट्टिया सी कहन लगे दाता जी तुसी कृपा करो। महाराज ने फिर बरछा फिर पट्टिया। फिर उत्थे गुरु क्या सिखा ने अरदास करके महाराज ने आख्या सच्चे पातशाह तुसी कृपा करो एक बारी बरछा होर गड़ दे। मामा कृपाल चंद बाबा राम कोयर इन्हां आख्या महाराज एक बारी बरछा होर गड़ दिओ इत्थे आप जी दे विआह दी याद विच गुरद्वारा त्रिवैणी साहिब बन जाएगा, इत्थे त्रिवैणी प्रगट हो जाएगी। हुण दो जल धारा ते पहला ही निकल रही सन, दो बरछे महाराज ने मारे ते तीजा बरछा सच्चे पातशाह ने मारिया ते उत्थे तीजी धारा भी प्रगट हो गई। गुरमुखो महाराज ने आख्या इत्थे त्रिवैणी प्रगट हो गई। चैक करन वालिया ने ना बाद विच उत्थों दा जल लैके ते त्रिवैणी संगम है जरा हिंदू धर्म दा उत्थों दा जल भी ले जा के चैक किया ते इक्को जिही जल। फिर सच्चे पातशाह ने एक उत्थे चश्मा होर होर है जी उत्थे नेड़े ही उत्थे पौड़ जिथे घोड़े ने पौड़ मारे मारिया सी उत्थे खारा जल निकलिया। सच्चे पातशाह ने आख्या सी इत्थे समुंदर दा जल निकल आया। समुंदर किथे वे ते आनंदपुर साहब किथे वे उह जल अजे भी खारा है। एक पासे त्रिवैणी साहब जल मिठा निकलता पिया है उत्थे नेड़े ही खारा निकलता पिया है। एक कलगियां वाले दे चोज नहीं ते होर की कहांगे। इत्थे दुनिया 500-500 फुट डूंगे बोर कराउंदी पई है, खुईयां च मोटरां ला के पानी कढ़ना पै रिहा है ते कलगियां वाले दा मारिया बरछा ते उहदे विचों जल अजे तक निकल ही आउंदा है। ये रहमत नहीं तो ये चोज नहीं, ये कौतक नहीं तो होर की है। गुरु की बराबरी नहीं जी हो सकती। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी इतने वापस आए ने। गुरु कियां संगतां ने, गुरु कियां सिखां ने बड़िया बड़े चावां दे नाल सच्चे पातशाह का विवाह सच्चे पातशाह का विआह जिहड़ा वह वेख्या। हुण सच्चे पातशाह जी ने आख्या भी वापस चलीए। कई दिन हो गए सन उत्थे रहिंदिआं नूं बड़े चावां दे नाल हुण वापसी विदायगी लई। विदायगी लैके ना जदों उत्थों तुरे ने फिर सारे लाहौर दीआं संगतां पूरा लाहौर आया सी जी गुरु के लाहौर सारे लाहौर दीआं जिन्नियां भी संगतां सन ना सिख संगतां लाहौर विच रहिंदिआं सन उह सारियां सिख संगतां ही गुरु के लाहौर आ गईआं सन महाराज दा विआह करन वास्ते सच्चे पातशाह दा विवाह वेखण वास्ते आनंद कारज दे वेखण वास्ते। हुण सारियां संगतां आईयां महाराज सच्चे पातशाह जी विदायगी होण लगी है। माता जीतो जी नूं डोली च बिठाया है ते सच्चे पातशाह घोड़े ते सवार होए ने। हुण हजूर सच्चे पातशाह दी सारा काफला आनंदपुर साहिब वल नूं वापस तुर पिया। जदों आए ने सब तो पहला माता जी ने आख्या बेटा आपां लाल जी पहला आपां पिता जी दे अस्थान ते तुसी आओ। एक ना थाल भर के लड्डूआं दा माता जी ने दिता। कहन लगे ये लैके चलो आपां तुसी पिता जी दे अस्थान ते पहला जाके नमस्कार करनी।
सीधा जाके उत्थे सच्चे पातशाह दे जरा थड़ा बनाया सी महाराज ने उहदे हत्थी बनवाया सी गुर कलगीधर महाराज ने सीसगंज वाली थां ते उत्थे ओ थाल लड्डूआं दा रखिया ते महाराज सच्चे पातशाह दे कोल खड़े बाबा राम कोहर जी उन्होंने नौ पातशाहियां तक अरदास कीती। पहले पातशाह तो लैके नौ पातशाहियां तक ना लैके अरदास कीती, दसवें पातशाह ते आप आए ने अरदास कराउण। नौ पातशाहियां तक ना लैके अरदास कीती ते आखिया धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह तुहाडी रहमत होई ए आप जी दे साहिबजादे गुरु नानक दी गद्दी दे दसवें मालक आप जी की रहमत का सदका आनंद कारज की रसम संपूर्ण करके सीधा पहला तुहाडे दरबार विच मत्था टेकन लई आए, तुहाडे चरणा च नमस्कार करन लई आए। ते गुरमुख जी तो डोला लैके आईए पहला सीधा गुरु घर जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी वड्डी रहमत होंदी जो कोई घर दे विच विवाह होंदा है ना, ते एक वड्डा कार्ज गिनिया जांदा है भी एक कार्ज वड्डा है मनुख वास्ते, क्योंकि गृहस्थी मनो बंदे वास्ते जिंदगी विच सब तो वड्डा कार्ज होंदा है उहदे धीआं पुत्तरां नूं नवें जीवन विच पा देना। उन्ना चिर तां जिम्मेवारी होंदी है उहनां दी, जिद्दन उन्हां नूं नवें जीवन च पा दिता उदू बाद तू फारगे उन्हां दी चिंता ना कर, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਲਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਵਧੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ? ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਹਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਵਾਹ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਈ ਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਰੂਹ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੂਰ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਇਆ ਆਸਾਮ ਤੋਂ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਏ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਏ। ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ